हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी। मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 27 जनवरी और आज की इस वीडियो के अंदर हम दो दिन के करंट अफेयर्स कवर करेंगे, जो कि होंगे 26 जनवरी और आज के। ये वीडियो दोनों लैंग्वेज के अंदर होगा। दोस्तों, इस वीडियो के बीच में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा, अगर आप उनका सही जवाब देते हैं तो आप बन सकते हैं एक लक्की विनर। तो चलो शुरू करते हैं आज का हमारा पहले क्वेश्चन से। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट एडिशन ऑफ गंगा बोलका डायलॉग वॉज रिसेंटली हेल्ड इन न्यू डेली टू एनहेंस द बिलेटरल कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए हाल ही में गंगा बोलका संवाद का पहला संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया। तो गंगा बोलका संवाद का पहला संस्करण हुआ और ये हुआ है नई दिल्ली के अंदर। इस संस्करण को शुरुआत जो है वो 2018 में भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी और जो व्लादिमीर पुतिन साहब हैं रशिया के प्रेसिडेंट, उनके बीच में उन्होंने स्टार्ट किया था कि हमारे बीच में एक गंगा बोलका संवाद हुआ करेगा। और जो इस साल पहली बार हुआ है और ये हुआ है नई दिल्ली में, तो ये किन किन देश के बीच में हुआ? भारत और रशिया के बीच में। किस किस के बीच में? भारत और रूस के बीच में। अब यहाँ पर अगर हम रूस की बात करते हैं, रूस की जो आप बात करें तो रूस की स्पेस एजेंसी का, जैसे भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे ही रूस की स्पेस एजेंसी का नाम है रोसकोसमोस। क्या नाम है? रोसकोसमोस। रोसकोसमोस जो है ये रूस की स्पेस एजेंसी है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं रूस के प्रेसिडेंट की, तो यहां के जो प्रेसिडेंट है वो है व्लादिमीर पुतिन साहब। अगर बात करें प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। रीजन क्या है? क्योंकि रूस में अभी 16 जनवरी को नए राष्ट्रपति, नए प्रधानमंत्री बने हैं, तख्तापलट हुआ था, ठीक है, एक संवैधानिक प्रोसेस के तहत। तो अगर बात करें तो रूस के जो नए प्रधानमंत्री है उनका नाम है मिखाइल मिशुस्तिन जो है ये रशिया के नए प्रधानमंत्री हो गए हैं। 16 जनवरी को इन्होंने शपथ ली थी। आते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। और आज का अगला क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल समिट ऑन वुमेन इन स्टेम विजुअलाइजिंग द फ्यूचर न्यू स्काईलाइंस वाज रिसेंटली हेल्ड इन विच सिटी। STEM में महिलाओं पर अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन भविष्य का दृश्य नया स्काईलाइन, ये इसका टैगलाइन था। विजुअलाइजिंग द फ्यूचर न्यू स्काईलाइन जो है, इस जो स्टेम हुआ ये इसका टैगलाइन था। Visualizing the future, new skylines was recently held in which city? तो ये हुआ नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली। STEM हुआ नई दिल्ली के अंदर। इसका मतलब है, STEM का मतलब है S for Science, Technology, Engineering and Mathematics। Science, Technology, Engineering, Mathematics के लिए महिलाओं का एक अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन हुआ जो नई दिल्ली के अंदर हुआ। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने इस सम्मेलन को ऑर्गेनाइज किया। किसने? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। और स्टेम क्षेत्र में महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन किया गया है। इसके अंदर बताया गया कि आने वाले समय में 80% जो जॉब्स हैं वो स्टेम फील्ड में ही मिलेगी। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स के फील्ड में ही महिलाओं को जॉब मिलेगी। तो इस क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना, यही इसका जो है उद्देश्य था, मोटो था। थीम की बात करें तो इसका थीम था विजुअलाइजिंग द फ्यूचर न्यू स्काईलाइंस, विजुअलाइजिंग द फ्यूचर न्यू स्काईलाइंस। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेटेड अक्रॉस द कंट्री। पूरे देश में राष्ट्रीय मतदाता दिवस का विषय क्या है? तो अभी याद होगा 25 जनवरी, हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है और ये 10वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस था। कौन सा? 10वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया 25 जनवरी को। 25 जनवरी 2011 से इसको मनाना स्टार्ट किया गया था। उस समय की जो राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल जी ने इसका शुभारंभ किया था। और इस बार की जो थीम है, विषय है, वो है निर्वाचन जागरूकता सशक्त लोकतंत्र, निर्वाचन जागरूकता सशक्त लोकतंत्र, इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी फॉर स्ट्रोंगर वोटिंग, ये इस बार का विषय है। आपको मैं बता दूँ, चुनाव आयोग की स्थापना जो है ये 25 जनवरी 1950 को हुआ था। ये मनाया क्यों जाता है, अब ये भी जानो, राष्ट्रीय मतदाता दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि धीरे धीरे आपने देखा होगा वोटिंग को लेकर लोगों के बीच में जो है उत्साह कम होता जा रहा है, हर साल वोट्स कम पड़ते हैं। तो उसको बढ़ाने के लिए, ताकि आप अपने हक से, अपनी चॉइस से एक चुनो,
एक अच्छा नेता चुनो ताकि फिर आप बाद में ब्लेम ना कर सको कि सरकार तो ऐसी ही होती है। तो हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे अभी हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, CEC, अभी हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, और उनके अलावा बाकी कितने इलेक्शन कमिश्नर होते हैं ये भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, और उनका नाम क्या है, देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब दे पाएंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडिया साइंड एंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द वर्ल्ड बैंक फॉर द एग्री बिजनेस एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट ऑफ विच स्टेट। भारत ने किस राज्य के कृषि व्यवसाय और ग्रामीण परिवर्तन परियोजना के लिए विश्व बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो इस राज्य का जो कृषि व्यवसाय है और ग्रामीण परिवर्तन है उसमें बदलाव किया जाएगा, और उसके लिए वर्ल्ड बैंक के साथ समझौता हुआ है $210 मिलियन का। अब बात करें वर्ल्ड बैंक की, वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन DC के अंदर है। इसकी स्थापना हुई थी 1944 में वर्ल्ड बैंक का स्थापना हुआ था। इसके संस्थापक थे जॉन मेनार्ड कीन्स और हैरी डेक्स्टर वाइट इसके संस्थापक थे। अभी इसके जो प्रेसिडेंट है वो है डेविड मलपास। कौन है? डेविड मलपास अभी इसके आप बोल सकते हैं प्रेसिडेंट है। अगर बात करें, ये समझौता हुआ है महाराष्ट्र और वर्ल्ड बैंक के बीच में। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र की सीमाएं जो है ये 6 राज्यों को टच करती है। वे 6 राज्य कौन कौन से है? गोवा, बात करें तो गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात। ये 6 राज्य है जो महाराष्ट्र को टच करते हैं। महाराष्ट्र के CM है उद्धव ठाकरे, शिवसेना के हैं उद्धव ठाकरे। और अगर हम बात करते हैं गवर्नर की तो भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के गवर्नर है। और अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि ये काफी फेमस थे, वाइस चीफ मिनिस्टर उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के कौन है, देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं। दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो का टारगेट है 700 लाइक का। आप भी अपनी जिंदगी में टारगेट जरूर बनाएं, मुझे उम्मीद है एक दिन मैं इस टारगेट को जरूर अचीव करूंगा, और इसीलिए मैं हर रोज चीजों को और बेहतर करने की कोशिश करता हूं। इसीलिए आप भी अपना टारगेट बनाएं, चीजों को और बेहतर करने की कोशिश करें, तब ही आपके जिंदगी में आपको सफलता मिलेगी। तो हर कदम सफलता की ओर बढ़ना है, एक एक कदम। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय निजी क्षेत्र के बैंक ने हाल ही में पायनियर बैंकिंग नामक अपना धन प्रबंधन मंच लॉन्च किया है। विच इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च इट्स वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म कॉल्ड पायनियर बैंकिंग। तो पायनियर बैंकिंग की शुरुआत किस प्राइवेट बैंक ने स्टार्ट की है? इंडसइंड बैंक। किसके द्वारा? इंडसइंड बैंक के द्वारा पायनियर बैंकिंग स्टार्ट किया गया है। इंडसइंड बैंक जिसकी स्थापना हुई थी 1994 में, इसके संस्थापक थे एस पी हिंदुजा जो थे इसके संस्थापक थे। अगर बात करते हैं MD और CEO की, तो इसके MD और CEO है रोमेश सोबती जो है इंडस बैंक के MD मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO हैं। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था SBI के नए MD कौन बने हैं, नए मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रबंध निदेशक, SBI के नए MD कौन बन गए हैं, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। दूसरा, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे RBI के पहले गवर्नर का नाम, RBI के पहले गवर्नर कौन थे, ये भी आप मुझे कमेंट करेंगे, और RBI के अभी गवर्नर कौन है कमेंट करके बताओ। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच स्टील प्लांट ऑफ इंडिया वॉज रिसेंटली अवार्डेड एट WEF एनुअल मीट फॉर बींग इंक्लूडिंग इन द WEF लाइट हाउस नेटवर्क। WEF के लाइट हाउस नेटवर्क में शामिल होने के लिए भारत के किस स्टील प्लांट को हाल ही में WEF की जो वार्षिक बैठक हुई उसमें सम्मानित किया गया। तो WEF का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का अभी बैठक हुआ दाओ स्विट्जरलैंड के अंदर, और वहीं पर इस स्टील प्लांट को जो है एनुअल मीट में, वार्षिक बैठक में सम्मानित किया गया, और इस प्लांट का नाम है टाटा स्टील कलिंगनगर। जो स्टील प्लांट है इसको जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो आप बोल सकते हैं बैठक हुई दाओ स्विट्जरलैंड के अंदर, वहां पर इसको क्या किया गया, सम्मानित किया गया टाटा स्टील कलिंगनगर को। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, द ग्लोबल कंसोर्टियम फॉर डिजिटल करेंसी गवर्नेंस वॉज रिसेंटली अनाउंस्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में किस संगठन द्वारा डिजिटल मुद्रा प्रशासन के लिए ग्लोबल कंसोर्टियम की घोषणा की गई? तो ये की गई है किस बैंक के द्वारा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। किसके द्वारा?
जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ग्लोबल कंसोर्टियम फॉर डिजिटल करेंसी की घोषणा की गई। इसकी बैठक हुई दाओ स्विट्जरलैंड के अंदर। बाकी अभी वर्ल्ड बैंक के बारे में मैंने आपको अभी बता दिया है, अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे IMF और WTO के बारे में। देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब देकर बनेंगे आज का लकी विनर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, जेस मेसियस बोल्सोनारो हु वाज अराइव्ड इंडिया टू अटेंड द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन एज चीफ गेस्ट इज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे जेयर मेसियस बोल्सोनारो किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो अभी मैंने कल भी आपको बताया था जेयर मेस बोल्सोनारो जो है ये है ब्राजील के राष्ट्रपति। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ ब्राजील का कैपिटल क्या है और यहाँ की करेंसी क्या है। देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब दे पाते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल वॉज रिसेंटली इनोग्रेटेड इन विच साउथ एशियन कंट्री विद द थीम अंडर द वर्ल्ड। इंटरनेशनल चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन हाल ही में दक्षिण एशियाई देश में किया गया जिसका विषय था अंडर द वर्ल्ड। अंडर द वर्ल्ड बताइएगा ये किस देश में हुआ? तो अंडर द वर्ल्ड विषय के साथ इंटरनेशनल चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन हुआ बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में। इसके 2008 से इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, 2008 से, और इसके अंदर जो है चिल्ड्रन और यंग एडल्ट्स को प्रोत्साहित किया जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद विच कंट्री टू अपग्रेड आसुगंज अखोरा रोड इनटू 4-लेन हाईवे। भारत ने किस देश के साथ आसुगंज अखोरा सड़क को 4-लेन राजमार्ग में अपग्रेड करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो ये किसके बीच में हुआ आसुगंज अखोरा सड़क समझौता? तो आसुगंज अखोरा सड़क समझौता हुआ है भारत और बांग्लादेश के बीच में। तो करेक्ट आंसर होगा बांग्लादेश। इसकी लंबाई होगी 50.58 किलोमीटर इसका लंबाई होगा। तो दोस्तों ये थे हमारे पिछले दो दिन के बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स तो बहुत हो सकते हैं लेकिन मैं आप लोगों के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आता हूं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के मद्देनजर देखते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर ले और कमेंट करके बताएं वीडियो लगा कैसा। मैं फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ नई चीज़ें लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू। लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप टेलीग्राम पर स्टेटस लगाएं और अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि आप बन सकते हैं एक लक्की विनर और जीत सकते हैं डेली 30 रुपीज़ कैश प्राइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नई चीज़ें लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।